भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार को एशिया कप के सुपर 4 राउंड का मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने हैं। भारत ने श्रीलंका के सामने 174 रन का लक्ष्य रखा है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 173 रन जुटाए। श्रीलंका के लिए दिलशांत मंदुशंका ने 3, दासुन सनाका और चमिका करुणारत्ने ने 2-2, जबकि महेश तिक्षणा ने 1 विकेट लिया। ऐसा रहा भारतीय पारी का हाल। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतनी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज के एल राहुल 7 गेंदों में 6, दूसरे ओवर में LBW हो गए। उन्हें स्पिनर महेश तिक्षणा ने LBW किया। भारत को दूसरा झटका विराट कोहली के रूप में लगा, जिन्हें दिलशांत मंदुशंका ने 3 ओवर में बोल्ड किया। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने वाले कोहली 4 गेंदे खेलने के बाद 0 पर आउट हुए। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त अंदाज में मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 97 रन की दमदार साझेदारी की। रोहित और सूर्य कुमार की पार्टनरशिप को 13वें ओवर में चमिका करुणारत्ने ने तोड़ा। करुणारत्ने ने रोहित को पाथुम निशानंका के हाथों लपकवाया। भारतीय कप्तान ने 41 गेंदों में 5 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत 72 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार 15वें ओवर में दासुन सनाका का शिकार बने। उन्होंने थिक्षणा को कैच थमाया। सूर्य कुमार ने 29 गेंदों में 34 रन जुटाए। उन्होंने अपनी पारी में 1 चौका 1 छक्का लगाया। वहीं हार्दिक पांड्या 13 गेंदों में 17 कुछ खास नहीं कर पाए। उन्हें 18वें ओवर में सनाका ने निशानका को कैच कराया। मधुशंका ने 19वें ओवर में 2 विकेट चटकाए। उन्होंने दीपक हुड्डा 4 गेंदों में 3 को पहली गेंद पर बोल्ड किया, जबकि ऋषभ पंत 13 गेंदों में 17 को निशानका के हाथों लपकवाया। भुवनेश्वर कुमार 0 को करुणारत्ने ने 20वें ओवर में बोल्ड किया। रविचंद्र अश्विन 15 और सदीप सिंह 1 रन बनाकर नाबाद रहे।